आप देख सकते हैं नॉर्मल मिर्चा कुछ ऐसे होता है, लेकिन ये मिर्चा इसके सामने कुछ भी नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर यूट्यूब ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जोलो चिप्स का टेस्ट। और गाइस, क्योंकि ये जो हमारे हाथ में है ये जोलो चिप्स है, जो कि वर्ल्ड स्पाइसी चिप है। सो इसको हम खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर रियल में इसको खाने के बाद में कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है। इसको हम निकाल रहे हैं जो इसका सबसे मेन अंदर का होगा। वाओ गाइस, आप देख सकते हैं ये वही चीज़ है जो खाने के बाद में अच्छे अच्छे की फट जाती है। और गाइस, आप इसका प्राइस देख सकते हैं जो कि 199 रुपया जो यहाँ पे दिख रहा है, मानिए 200। और 200 में इतना चिप्स एक, और ये भी ये पूरा इतना नहीं, इतना मिल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे 5 वाले चिप्स ले तो कि 200 में कितना खा लेंगे। चलिए सोम खाते हैं और तब तो रेशन खा रहे हैं, कैसा हो रहा है खाने के बाद में। सो गाइस, आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, ये वही चीज़ है जो कि इसके अंदर सब निकल रहा है, वर्ल्ड स्पाइसी चिप्स। देख सकते हैं नॉर्मल मिर्चा कुछ ऐसे होता है, लेकिन ये मिर्चा इसके सामने कुछ भी नहीं है। रियली गाइस, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने। ऐसे आप खाकर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इसको खाने के बाद में आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा पहले तोड़ेंगे, खाएंगे, दिखाएंगे, अगर ज़्यादा हुआ उसके बाद में तो और खाएंगे, बर्दाश्त हो गया तब। अगर चलिए इसको तोड़ते हैं। सॉरी, चलिए इसको हम खाते हैं। गाइस, बहुत तीखा लग रहा है, कान दोनों साइड से धुआं फेंक रहा है, ऐसे पूरा एकदम गर्म हो गया। अभी थोड़ा सा ही खाए इसमें से। गाइस, जब हम और नहीं खाएंगे क्योंकि इतना ही में मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया। तो गाइस, हम इतना ही खाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते हैं, नहीं खाया जाएगा गाइस, रियली में नहीं खाया जाएगा। इतना ही नहीं बर्दाश्त हो रहा है खाने के बाद में दोस्तों, वाकई में बहुत हार्ड है। यहाँ पे इसके अंदर लग रहा है पूरा जलाते हुए, ऐसे पेट में उतर रहा है वो। दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट कर जरूर बताइएगा अगर किसी ने खाया होगा। सो गाइस, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए कि हमने खाया है या टेस्ट किया है। तो गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।